तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम इस वाले बॉक्स को अनबॉक्स करने वाले हैं। जैसे कि मैंने 2 दिन पहले ही आप सभी को बताया था, मेरे को 2-3 पार्सल रिसीव हुए हैं, क्या मैं उसे अनबॉक्स करूं? तो काफ़ी सारे बंदे बोल रहे थे कि हाँ भाई अनबॉक्स करो और हमें भी दिखाओ क्या है उस पार्सल में। तो आज की इस वीडियो में इसे अनबॉक्स करते हैं और इस वाले पार्सल को देखते हैं। अगर तो इसमें कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरा पार्सल भी इसी वीडियो में खोल देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। 2-3 चीज़ें आई हैं, अब क्या क्या आई हैं पता चलेगा अभी। तो फटाफट खोलते हैं इसमें और क्या है इसके अंदर देखते हैं। तो कैंची में ले आया हूँ, खोलते हैं फटाफट इसको। 6-7 दिनों से पड़ा हुआ है, मैं भी सोच रहा था कि खोल दूँ, फिर मैंने सोचा कि वीडियो में खोलेंगे आराम से, क्या है देखा जाए। तो एड्रेस मैं छुपा लूँगा, देख लेता हूँ मैं क्या है इसके अंदर पहले। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है पढ़ के तो मुझे समझ नहीं आ रहा इसके अंदर क्या है, बट इसको खोलते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओह, ये क्या फ़ोन है क्या इसके अंदर? ये कहाँ से आ गया? शायद इन्फिनिक्स वालों ने भेजा होगा, देखते हैं, क्योंकि इन्फिनिक्स वालों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था हम फ़ोन रिव्यू के लिए भेजें। ओ फ़ोन है इसमें तो, अरे एड्रेस आ गया। वैसे तो एड्रेस मेरे सबको पता ही है, ओ तेरी की, ये तो फ़ोन निकला, इन्फिनिक्स वालों ने भेजा शायद। तो ये फ़ोन मुझे रिव्यू के लिए आया है, फटाफट इसका रिव्यू करते देखते इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, भाई साहब 5000 mAh की बैटरी है, 2 GB रैम, 32 GB इंटरनल। 2 GB रैम में क्या बनेगा भाई? चलो ठीक है, BGMI डाउनलोड करके देखेंगे, चलती भी है इसमें। और फ़ोन तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेड इन इंडिया है, सबसे बड़ी बात यह है। और इसका जो प्राइस है मैं देख के बताता हूँ कितना है। तो इसका जो प्राइस है अभी मुझे पता चला 6500 है, उसमें से भी आपको 550 वापस मिल जाएंगे। ये कुछ जियो की ऑफर है इसके साथ, ये आपको बैंक में मिल जाएंगे, मुझे सुनने में अभी आया, मैंने कंपनी से बात की। और फटाफट इसे खोलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो अरे डॉलर, भाई ये डॉलर कहाँ से मिल गया? ये क्या नई चीज़ है, पता नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है, डॉलर निकला अंदर से। इसको देखेंगे भाई क्या चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पर रहा हमारा फ़ोन, सबसे अच्छी बात है काफ़ी बड़ी स्क्रीन है भाई 6000 के अंदर। 6500 का है, 500 तो वापिस ही आ रहे हैं। अगर मैं इसे कंपेयर करूं अपने ओल्ड फ़ोन से, एक मिनट, ये वाला देखो, ये है 16000 का, ये है 18000 का, और ये है 6000 का। भाई साहब तगड़ा ही है भाई फ़ोन तो। अभी तीनों में PUBG या BGMI डाउनलोड करके देखते हैं कौन सा बढ़िया, 6000 वाला बढ़िया या 18000 वाला बढ़िया। तो फटाफट से इसकी डिस्प्ले देखते हैं। तो अभी इसे ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद इसमें मैं BGMI डाउनलोड कर लेता हूँ और देखता हूँ कि भाई 6000 वाले फ़ोन में अच्छी चलती है या फिर 16000 वाले में, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ये ज़्यादा पुराना है, इसको नहीं कंपेयर करेंगे, दो के साथ कंपेरिजन ठीक रहेगा। ये है मेरा 16000 वाला, ओप्पो का F9 है, आप जाकर सर्च कर सकते हो, अभी भी इसका प्राइस 16000 ही है। और ये मैंने 2 साल पहले ख़रीदा था, 2 साल से बढ़िया चल रहा है ये। और इस वाले को अभी कंपनी ने मुझे सेंड किया है, तो भाई इसमें देखते हैं बढ़िया चलती है या इसमें। और इसकी रैम 2 GB है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर ही दिख जाएगा, 2 GB रैम है। और सबसे अच्छी बात है 5000 mAh की बैटरी भाई साहब। और फटाफट से इसे मैं सेटअप कर लेता हूँ। तो जब तक फ़ोन में PUBG डाउनलोड हो रही है, तब तक हम डब्बे में और देख लेते क्या क्या है। एक तो ये डॉलर मिला है, इसका क्या है मुझे मतलब पता नहीं है, बट इसको मैं देखूंगा, अभी सर्च करूंगा इसके बारे में क्या क्या है, इसका क्या फ़ायदा भी है कि ऐसी दे रखा है। तो उसके बाद यहाँ पर 10 वोल्ट का हमें चार्जर मिलता है, जो कि ठीक है, अच्छा चार्जर है, 6000 में और क्या मिलेगा आपको। और टाइप सी नहीं मिलती 6000 में, मिलेगी भी नहीं, 20000 में नहीं मिलती तो 6000 में कहाँ से मिलेगी। उसके बाद सिम निकालने के लिए टूल दे रखा है इन्होंने। और भाई साहब ये क्या है, वो कूपन भी दे रखा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने बोला था ना 500 वापस मिलेंगे आपको, तो ये देखो जियो का दे रखा है, इसमें लिखा भी हुआ है कि आपको ये बैंक में मिल जाएंगे, सारा यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे कैसे मिलेंगे। तो इसको मैं क्लेम बाद में कर लूँगा, अभी मुझे पता भी नहीं है कैसे क्लेम करना है। और यहाँ पर कवर भी मिला है, तो कवर लगा के देखते हैं। तो कवर लगाने से पहले मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ फ़ोन, देखो 6000 का मुझे पहला ही ऐसा फ़ोन मिला है भाई, जो इतना पीछे से भी सुंदर है और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है फ़ोन का। और कवर लगाते हैं अब इसका,
कवर थोड़ा सा हार्ड है, जो मुलायम वाला कवर होता है वो देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी, ये देखो डब्बे के अंदर से क्या निकला है, गार्ड। भाई साहब बहुत कम फ़ोन होते हैं जिसके साथ गार्ड मिलता है, तो ये गार्ड मैं चिपका दूंगा आगे। अब इसमें फटाफट से पबजी डाउनलोड होना स्टार्ट कर देता हूँ एंड दूसरे फ़ोन में भी कर लेता हूँ, एंड उसके बाद कंपेयर करते हैं कि 2 GB रैम में भी फ़ोन में पबजी चल सकती है या नहीं। तो दोनों फ़ोन में मैंने BGMI डाउनलोड कर दिया है। उससे पहले मैं आपको बताऊँ, जब मैं इसे डाउनलोड कर रहा था तब मैंने इसके बारे में कुछ डिटेल निकाली। तो ये एक तो 6 इंच का फ़ोन है, ठीक है, 6,000 रुपये में। उसके बाद इसमें 2 GB रैम है, 32 GB इंटरनल है, उसके अलावा HD डिस्प्ले है, उसके अलावा 5000 mAh की बैटरी है। उसके बाद कैमरे की बात की जाए तो 8 MP का ये वाला कैमरा है, पीछे एक 8 MP का और एक 5 MP का है, और फ्लैश लाइट भी दे रखी है। उसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता है या नहीं वो देख लेते हैं 6000 के फोन में। सबसे पहले तो इसे ऑन करते हैं, एंड ये दाबा मैंने, देखो दाबा, और आप सोच रहे होगे कि इतनी तेज काम कर रहा है। देखो लॉक लगा हुआ है, दिखा देता हूँ। अब मैं जाता हूँ, एक बार मैंने क्लिक किया, खुल गया, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं और क्या क्या बढ़िया चीज़ें 6000 के फ़ोन में। पहली बार 6000 का फ़ोन मेरे पास आया, मैंने कभी लाइफ में खरीदा भी नहीं है, या तो मैंने 1000-2000 वाले खरीदे थे या उसके बाद 15-20 हज़ार वाले खरीदे थे। उसके बाद एक और चीज़ जो इसका डिज़ाइन है वो भी काफ़ी यूनिक है, इतनी रेंज में ऐसा डिज़ाइन कोई भी कंपनी नहीं देती है। बाकी अब टेस्ट करते हैं। वैसे ये गेमिंग फ़ोन नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, सिर्फ हम टेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास फ़ोन आया रिव्यू के लिए, तो हमने टेस्ट तो अपने तरीके से, गेमर हैं तो गेमिंग तो करेंगे ही ना। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, ये है 16000 का फ़ोन, ये वाला जो है, और ये वाला फ़ोन जो है वो है 6000 का, ठीक है ना। 6500 कीमत है, बार बार बोल रहा हूँ, 500 रुपये यहाँ पर देख सकते हैं कैशबैक लिखा हुआ है, 550, इस वजह से मैं बार बार 6000 का बोल रहा हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक साथ क्लिक करूँगा दोनों पे, देखते हैं किस में पहले ऑन होती है पबजी। अभी आपको पता चल जाएगा, 2 GB रैम है इसमें और इसमें 4 GB रैम है, ठीक है, क्वालिटी का आपको यहीं से पता चल रहा होगा, क्योंकि मैं तो सामने से देख रहा हूँ ना, मुझे पता चल रहा है। अभी खुलते देखते हैं कौन सी पहले खुलती है, यहाँ पर नीचे रख देता हूँ, और मम्मी थक गए कैमरा पकड़े पकड़े, मैं पकड़ लेता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है अब आगे, कौन सी पहले खुलती है। ये नया फ़ोन है, ये पुराना फ़ोन है, ये 16000 का है और ये 6000 का, हाँ देखते हैं कौन सा खुलता है पहले, और ग्राफिक भी दिखाऊंगा कहाँ तक चलते हैं। तो देख सकते हैं पहले इसमें खुला है, इसमें अभी तक ओपन ही नहीं हुआ। भाई साहब 16000 किस लिए दिए हमने, मुझे समझ नहीं आ रहा, उधर खुल भी गया। और अभी मैं आपको दिखा दूंगा, दोनों में सेम वाईफाई भी कनेक्ट है, ठीक है ना। और आप सोचेंगे कि ये मोबाइल डाटा पे है, ये उस पे है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो वो खुल भी चुकी है, अभी तक ये लोड ही हो रही है, और ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि भाई ओप्पो है ये। वैसे मैं किसी ब्रांड की तारीफ या बुराई नहीं करना चाहता, बट यार साफ सी बात है, ये वाला फ़ोन 2 GB रैम वाला है और ये 4 GB रैम वाला, ये 16000 का है और वो कितने का, 6500 का मान के चलो, फिर भी यार उसमें गेम खुल चुकी है। और उसमें देखो, अब देखो ग्राफिक दिखाता हूँ आपको मैं, ग्राफिक यार खुले तभी तो दिखाऊं, इधर तो खुल चुका है बट इधर खुला ही नहीं है बेचारा अभी तक। दोनों में सेम गेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग गेम है, दोनों में सेम गेम है, सेम डाटा है, और इसमें खुला ही नहीं बेचारा। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें आपको 6000 के अंदर 32 GB इंटरनल मेमोरी मिल रही है, इसमें आपको 16000 के अंदर 32 GB इंटरनल मेमोरी मिल रही है। तो यहाँ पर अब आपको मैं क्वालिटी दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा लगभग लगभग सेम ही है। अगर मैं सामने से देख रहा हूँ, मैं अगर क्वालिटी की बात करूँ तो इसके मुझे ज़्यादा अच्छे ग्राफिक लग रहे हैं। चाहे सेटिंग में जाके देख लेते हैं, हम सेटिंग में गए, इधर गया सेटिंग में, और ग्राफिक, इधर ग्राफिक। अब ग्राफिक्स में देखोगे तो दोनों सेम ही ग्राफिक पे चलते हैं भाई साहब, मीडियम पे। और भाई 16000 का है और ये 6000 का है। हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई ये थोड़ा पुराना फोन है इस वजह से ऐसा हो रहा हो, बट यार फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। बाकी कंपैरिजन तो आपने देख ही लिया, अब मैच स्टार्ट करके देखें क्या इरेंगल या फिर TDM। TDM सेलेक्ट कर लेता हूँ दोनों में, तो TDM दोनों में डाउनलोड नहीं थे तो दोनों के डाउनलोड मैंने लगा दिए हैं। अभी देखते हैं कि फटाफट डाउनलोड होने देते हैं दोनों को, एंड उसके बाद स्टार्ट करके देखते हैं कौन सा पहले मैच में एंटर करता है। तो दोनों मोबाइल में TDM डाउनलोड हो चुका है, ओके करते हैं, स्टार्ट पे दोनों पे क्लिक करूंगा इकट्ठे ही।
दोनों पे क्लिक कर दिया, देखते हैं पहले अंदर कौन घुसता है। देख लो आपके सामने ही है भाई, 6,000 वाला जीत रहा है। तो अभी मैं गेम प्ले नहीं खेलने वाला क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है, स्टैंड टूट गया था वीडियो बनाने से पहले। तो मैंने सोचा चलो इसी तरीके से वीडियो बना लेते हैं। अभी तक मम्मी पकड़ रहे थे मोबाइल, अब मम्मी चले गए। तो अब आज की वीडियो में इतना ही था, कंपैरिजन कैसा लगा, फोन कैसा लगा, एंड दो प्रोडक्ट मेरे पास और आ रखे हैं, अगर आप उसकी भी अनबॉक्सिंग चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसकी भी अनबॉक्सिंग कर दूंगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।